गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके की महेंद्रपुरी में रहने वाली युवती पिछले 3 मार्च से लापता थी। बताया जा रहा है कि घर से वो अपने सहेली के साथ काम पर जाने के लिए निकली थी, लेकिन नहीं पहुंची। परिवार को ये भी बताया था कि वह एक नई नौकरी की तलाश कर रही है, लेकिन बीती देर रात उसकी लाश मिलने की खबर आई। गाजियाबाद के निवाड़ी इलाके में गंग नहर के पास से युवती की लाश मिली है। लाश पर कई तरह के निशान हैं। पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ में, क्या मामला, पूरी बात बताएं। 3 तारीख को लड़की गई थी काम के लिए अपनी सहेली के साथ में, सहेली साथ गई थी उसकी, और जब वो नहीं मिली, मतलब कहने का है 3 तारीख को नहीं आई, तो फिर हमने रिपोर्ट कराई चौकी पे, निवाड़ी चौकी के बाद में थाने में रिपोर्ट कराई, कोई कारण नहीं। उसके बाद में मतलब कहने का 9-10 तारीख में उसकी गंग नहर में से मतलब कहने का है बॉडी मिली। पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी क्या? पुलिस कार्रवाई करती तो मेरी लड़की मतलब कहने का पहले मिल जाती। अब क्या हुआ फिर? बस जी के नाम पोस्टमार्टम हो गए, मतलब कहने का लड़की घर आई, लड़की उभर ले आई पोस्टमार्टम करवा करके, कोई कार्रवाई नहीं। डेड बॉडी मिलने के बाद में पुलिस यहाँ पर आई थी? जी नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। थाना मोदी नगर से 3 मार्च से की युवती लापता थी, अब उसका शव मुरादनगर की नहर में मिला है, क्या है सर पूरा मामला? ये एक शरू नाम की महिला थी, 3 महीनों में सबसे छोटी महिला थी, महेंद्रपुरी मोदी नगर के रहने वाली थी। ये 3 तारीख की सुबह से लापता है, इसके परिजनों ने थाने पे गुमशुदगी की रिपोर्ट 6 तारीख को दर्ज कर दी, 3 दिन पश्चात दर्ज कर, और इसका कस्टडी 9 तारीख को एक नहर में मिला है जो रेगुलेटर के पहले। उसके शव का कल पोस्टमार्टम कराया गया, तो पोस्टमार्टम में उसकी ड्राउनिंग कॉज ऑफ डेथ, बाद में पता चला कि ये डिप्रेशन का शिकार थी, सबसे छोटी थी, और उसकी जहाँ ये नौकरी करती थी इसकी नौकरी करीब 15 दिन पहले छूट चुकी थी, तो परेशान। अग्रिम कार्रवाई की जाए।